सो भाई लोगों, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज में कहर चल रहा है, जहां अब लीजेंडरी ड्रैगन्स को बास्टर्ड्स क्लेम कर रहे हैं, और यस डिमांड भी है फ्रॉम द ब्लैक साइड, क्योंकि उनके पास किंग्स लैंडिंग जैसी आर्मी नहीं है, अनक्लेम ड्रैगन्स हैं, तो वो इसका ही यूज कर रहे हैं। और अब टोटल 3 ड्रैगन ब्लैक्स के साइड में बढ़ चुके हैं। एपिसोड 7 में वर्मिथोर और सिल्वरविंग को क्लेम कर लिया गया है, और एपिसोड 6 में सी स्मोक को क्लेम कर लिया गया था। आगे बढ़ने से पहले एक बार काउंट करते हैं कि ब्लैक्स के साइड पर अब वॉर के लिए कितने क्लेम्ड ड्रैगन हो चुके हैं, तो अब पूरे 6 हो चुके हैं। रेनेरिया का साइरेक्स, जैकेरिस का वर्मैक्स, बैला का मून डांसर, एंड बास्टर्ड में काउंट करें तो एडम का सी स्मोक, ह्यू हैमर का वर्मिथोर, अल्फ द व्हाइट का सिल्वर बीक। एंड ग्रीन्स के पास अगर प्रेजेंटली बात करें कितने ड्रैगन हैं लड़ने के लिए, तो उनके पास 3 काउंट करे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए 2 ही हैं किंग्स लैंडिंग पर, और तीसरा जो है डेरिन टारगेरियन का है, जो शायद 8th एपिसोड में हमें उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री शायद देखने को मिल जाए। तो फिलहाल एमेंड का वेगार और हेलिना टारगेरियन का ड्रीम फायर ड्रैगन ही हैं उनके पास। तो बाबा, ग्रीन्स के मुकाबले ब्लैक्स के साइड पर ड्रैगन्स की संख्या ज्यादा है, लेकिन डेमन को छोड़कर एक भी ड्रैगन एमंड को वेगार के सामने लड़ने लायक नहीं है। ओनली साइरेक्स एंड रेनेरिया है, पर साइज में वेगार से छोटा है, तो आसानी से मात खा जाएगा, और क्वीन अकेले सामना करने नहीं जाएगी, ये हिमाकत वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। बात करें अगर वर्मिथोर और सिल्वर विंग की, तो ये दोनों ड्रैगन आसानी से वेगार की धज्जियां उड़ा सकते हैं, बहुत कैपेबल है, लेकिन इनके राइडर्स में बिल्कुल भी दम नहीं है, टोटली न्यू है, अनएक्सपीरियंस्ड है, उन्हें अभी ड्रैगन्स को हैंडल करना नहीं आया है प्रॉपरली, तो वो सीधे वॉर के लिए कैसे उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, कैसे उन्हें गाइड कर सकते हैं, या कैसे उन्हें कमांड कर सकते हैं। वर्मिथोर को ह्यू हैमर ने क्लेम किया है, जो बास्टर्ड एंड हाफ टारगेरियन है फ्रॉम द फादर ऑफ प्रिंस बैलन टारगेरियन, जो डेमन टारगेरियन और विसेरिस टारगेरियन का भी बाप है। सेम सिल्वर विंग को अल्फ द व्हाइट ने क्लेम किया है, जो खुद दावा करता है कि डेमन और विसेरिस उसके हाफ ब्रदर्स हैं, और एपिसोड 8 में मुझे लग रहा है सबसे पहले यानी यही मारा जा सकता है, क्योंकि इसकी हरकतें पूरी बचकानी है, जो शायद मजे मजे में एमंड के हत्थे चढ़ जाएगा। दूसरा, इसने वेगार और एमंड को किंग्स लैंडिंग के ऊपर राइड करके इंसल्ट भी किया है, तो एमंड इसे पहले उड़ा सकता है इजीली। तो वैसे मुद्दे की बात अब यह आती है कि सी स्मोक, वर्मिथोर और सिल्वर विंग तीनों मिलकर क्या वेगार को गिरा सकते हैं? द आंसर इज नो फॉर राइट नाउ। देखो, ड्रैगन्स में बिल्कुल भी कमी नहीं है, तीनों ड्रैगन्स बहुत बहुत कैपेबल हैं, अगर 1-on-1 में भी जाएंगे तब भी वेगार को अधमरा तो ये कर ही देंगे, लेकिन बात ये है कि ड्रैगन्स को हैंडल करने वाले जो ये राइडर्स हैं, इनमें बिल्कुल भी दम नहीं है, बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है, उन्हें सिर्फ ड्रैगन को हैंडल करना ही नहीं आया है। और दूसरा, द जायंट, द स्लेयर, द क्रूअल वगार के सामने सीधे जंग में उतर जाएंगे, तो बाबा वो तो इन्हें संभलने का मौका तक नहीं देगा। जब तक कि डेमन और कराक्सस इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, या फिर रेनेरिया और साइरेक्स इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, वगार इनके हाथ नहीं आएगा आसानी से। पर मेकर्स ने तो डेमन का भाई साहब चूतिया काट रखा है पूरे सीजन 2 में। नाउ एक थ्योरी जबरदस्त मार्केट पे ये ट्रेंड कर रही है कि भाई साहब सीप स्टीलर को कौन क्लेम करने वाला है। अकॉर्डिंग टू बुक फायर एंड ब्लड की बात करें, द बास्टर्ड नेटल्स गर्ल ही इसे क्लेम करेगी, बट द हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 सीरीज के अकॉर्डिंग चलें, इनके अंदाजे से अगर अंदाजा लगाएं, तो बार बार इनका यही इशारा चल रहा है कि रेना टारगेरियन जो सेकेंड गर्ल है डेमन टारगेरियन की, तो बार बार इसी की तरफ इशारा जा रहा है, या बार बार मेकर्स यही कनेक्शन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं रेना और सीप स्टीलर का, कि भाई यही इसको क्लेम कर सकती है। तो वैसे बहुत सी ऐसी अनसुलझी थ्योरीज हैं, उनके ऊपर बाद में और कभी बात करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ही डिस्कशन करते हैं। लेकिन ये तुम लोग बता के जाओगे कि सीप स्टीलर को कौन क्लेम कर सकता है, रेना टारगेरियन या फिर द बास्टर्ड गर्ल नेटल्स। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।